अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। फसल वर्ष 2021-22 के रबी सीजन के दौरान देश का सरसों का उत्पादन 29.41% बढ़कर रिकॉर्ड 100 से 110 लाख टन होने की उम्मीद है। उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का अनुमान बुआई के रकबे में वृद्धि से लगाया जा रहा है। खाद्य तेल उद्योग निकाय COOIT ने मंगलवार को ये जानकारी दी। प्रमुख रबी फसलों में से एक सरसों दाने का उत्पादन फसल वर्ष 2020-21 जुलाई जून में 85 लाख टन का हुआ था। केंद्रीय तेल उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी कि COOIT के अध्यक्ष बाबूलाल दाता ने एक बयान में कहा है कि इस साल राजस्थान सहित सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरसों की बुआई में काफी वृद्धि हुई है और उनका अनुमान है कि वर्ष 2021-22 सत्र में उत्पादन बढ़कर 100 से 110 लाख टन हो सकता है। वहीं बात करें अगर सरकारी आंकड़ों की, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू रबी बुआई के मौसम में 10 दिसंबर 2021 तक रैपसीड और सरसों के बीज का रकबा 81.66 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह सिर्फ 63.97 लाख हेक्टेयर था। सरसों के रकबे में बढ़ोतरी के साथ ही तिलहन काल क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा है। पिछले वर्ष के मुकाबले देश में तिलहन का रकबा 16.37 लाख हेक्टेयर अधिक है। बीते साल 10 दिसंबर तक देश में 72.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलों की बुआई हुई थी। इस बार समान अवधि में 88.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है और अभी भी कई राज्यों में बुआई का काम जारी है। उनका कहना है कि किसानों को पिछले रबी सत्र में उनकी सरसों की फसल के अच्छे दाम मिले थे, इसके चलते उन्होंने चालू रबी सत्र में सरसों की अधिक रकबे में बुआई की है। इसके हिसाब से मौसम की स्थिति भी अभी तक अनुकूल ही रही है। वर्ष 1952 में स्थापित COOIT भारत के वनस्पति तेल क्षेत्र के विकास में लगा हुआ है। COOIT देश में संपूर्ण वनस्पति तेल क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। इस बार किसानों को सरसों का जबरदस्त भाव मिला है। कुछ मंडियों में भाव 9,500 रुपये क्विंटल तक पहुंच गए थे। यह सरकार द्वारा तय की गई MSP 4650 से दो गुने से भी अधिक है। देश की अलग अलग मंडियों में पूरे साल सरसों MSP से काफ़ी अधिक भाव पर बिका है। वहीं आगामी सत्र के लिए सरकार ने सरसों की MSP में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। MSP में बढ़ोतरी और सरकार की तिलहन समर्थित नीतियों की वजह से रकबे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। Thank you.